हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे फूड सफारी। सो गाइस, स्नैक एंड स्टार्टर की सीरीज में आज मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सी और टेस्टी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो जब कभी भी आपके बच्चों को छोटी भूख लगे या फिर उनका कुछ स्नैक टाइप का खाने का मन करे, इवनिंग टाइम में आपको कुछ बनाना हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या बनाएं, तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल सी और आपके घर में ही जितने इन्ग्रीडियंट हैं उनके साथ हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि हम इसे कैसे तैयार करेंगे। तो गाइस, रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ है पोहा। तो एक कप पोहे को हम एक बड़े से बाउल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पतला वाला पोहा लिया है, आपके पास जो हो आप वो यूज कर लें। और इसके बाद हम इसमें 3 से 4 चम्मच पानी ऐड करेंगे और इसे हम मिक्स कर लेंगे। इस पोहे को हमें नम करना है, ज़्यादा पानी मत डालें, बस इतना ही पानी डालें जिससे ये पोहा नम हो जाए। और उसके बाद इसे कवर करके सिर्फ 1 मिनट के लिए आप छोड़ दें। 1 मिनट बाद इसी पोहे में आप ऐड करें 1 कप उबली हुई आलू, जिसे आप कद्दूकस कर लें। साथ ही साथ यहाँ पे ऐड करेंगे आरारोट। आरारोट की जगह आप कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हो। ऑरिगेनो ऐड करेंगे हम 1 चम्मच। पिंक सॉल्ट, आप जितना आपका टेस्ट हो आप उस टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड करें। इसके बाद चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। इन सारी चीजों को हमें मिक्स करना है। तो मिक्स करते समय ये थोड़ा सा स्टिकी रहेगा। और अब हम क्या करेंगे, हाथों से अब इसे हम एक डो के फॉर्म में तैयार करेंगे। तो स्पून हमने हटा दिया है और अब हम हाथों से इसे गूंथेंगे। तो ये आपके हाथ में चिपके नहीं, इसके लिए आप अपने हाथ में ऑयल लगा लें तो ये जो डो है आपके हाथों में चिपकेगा। तो डो जो है वो हमने गूथ लिया है और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप डायरेक्ट स्लैब पे या फिर आप चॉपिंग बोर्ड पे ऑयल ब्रश कर लें और उसके बाद इस डो को उस पे रख लें। अब इसको हम एक शेप देंगे। डो तो हमारा रेडी हो चुका है, अब डो को हम एक शेप दो। शेप आप अपने तरीके से दे लें, आप कोई भी शेप इसे दे सकते हो, जैसा भी आप चाहो। तो मैं इसे यहाँ पे नॉर्मल फिंगर वाला ही शेप दे रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसे गोल एक इक्वल शेप पे तैयार कर लिया है और अब साइड्स इसकी मैंने निकाल ली है। तो जहां पे ये मोटा था मैंने उसको फिर से दबा के पतला कर लिया है और बस अब इसे फिंगर की शेप में हम कट कर लेंगे। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, कभी भी बना सकते हो। और आप देख रहे हो ना कि सारे बेसिक इंग्रेडिएंट लिए हैं हमने, कुछ भी अलग से एक्स्ट्रा नहीं लिया हुआ है। तो जो मोटे स्लाइसेस हो उन्हें आप कट करके पतला कर लें। तो गाइस, स्लाइसेस जो है हमारी देखिए ये रेडी हो चुकी है और अब हम इनको करेंगे फ्राई। तो फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने पहले से हीट करने के लिए रख दिया हुआ था। तो ऑयल जब ये हीट हो जाए, मीडियम ही रखना आप ऑयल को, ज़्यादा हाई फ्लेम पे मत इन्हें आप फ्राई करना, वरना ये ऊपर से तो कलर दे देंगे बट क्या होगा कि अंदर से ये थोड़े कच्चे रह जाएंगे। आप जब भी इन फिंगर्स को बनाएं तो आप लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें। फ्राई करते समय आप इन्हें दूर दूर ही डालें, पास में मत डालें और ज़्यादा इकट्ठा मत भरें उसमें। आप जो कढ़ाई या जो पैन है जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं उसके शेप जितना है उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें ये ऐड करें। तो जब ये फ्राई हो जाएंगे ना तो ये ऊपर तेल में तैरने लगेंगे, मतलब ये बहुत हल्के हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो कलर इनका जो है वो चेंज हो गया है और ये फ्राई हो चुके हैं। तो इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। तो पहला बैच जो है ये हमारा बनके रेडी हो चुका है। सेम इसी प्रोसेस से हम जितने भी सारे फिंगर्स हमने बनाई हुई हैं इन्हें हम ऐड कर लेंगे और इन्हें भी हम फ्राई कर लेंगे। तो देखा ना, सिंपल सी और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। बस जो पोटैटो हैं वो बॉइल्ड हुए रखे होने चाहिए आपके पास, इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे सर्व कर रही हूँ ये जंगल थीम वाली प्लेट के साथ। ये प्लेट मेरी बेटी को बहुत पसंद है। तो ये फिंगर्स, मेयोनीज और साथ ही साथ ये टमाटो सॉस है जो मैं इसके साथ दे रही हूँ अपने बच्चे को। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें।
So guys, always meet fresh, eat healthy. Thanks for the watching AJ Food.